तो दोस्तों नमस्कार, हमने बीएससी फर्स्ट ईयर के फिजिक्स के प्रैक्टिकल के बारे में बात कर दी। अब बात करते हैं बीएससी सेकंड ईयर का पहला प्रैक्टिकल फिजिक्स का, हम लेके आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला उद्देश्य नंबर एक, प्रैक्टिकल नंबर एक, गाउसी वितरण नियम का अध्ययन 500 तथा स्थैतिक बोर्ड की सहायता से करना। गाउसी वितरण नियम का अध्ययन 500 तथा स्थैतिक बोर्ड की सहायता से करना, यही का यही प्रैक्टिकल जो बीएससी फर्स्ट ईयर में भी है, लेकिन ये बीएससी सेकंड ईयर का है, उसका उद्देश्य अलग है, थोड़ा सा उसमें अलग है। तो इसमें चित्र में कोई विशेष नहीं है, ये एक प्रकार का पासा है। इसकी तीन सतह है, वो रंगीन की गई है, काली की गई है, और ये इस प्रकार का स्थैतिक बोर्ड है। तो इसमें करना क्या है, इसमें 2.5 पासे दिए गए होंगे आपको और 3 सतह उसकी काली की हुई होंगी। कुल पासे की 100 सतह है, उसमें से 3 सतह है जो काली हुई हुई है और उसमें 100 रीडिंग लेनी है। तो अब अंतर क्या है, हम जो बीएससी फर्स्ट ईयर में करते थे तो उसमें 100 पासे लेते थे और 100 पासों के बाद जैसे कि पहली रीडिंग लेते थे तो उसमें जो पासे आते थे काली सतह उनको बाहर निकाल देते थे और वापस जो शेष है उसकी दूसरी रीडिंग लेते थे। लेकिन इसमें कुल 2.5 पासे है, 2.5 पासों को हर बार 2.5 आपको फेंकना होगा और जितनी काली सतह आएगी उसकी आपको अलग से एक सारणी बनानी होगी। तो दोस्तों हमारा उद्देश्य था गाउसी वितरण नियम का अध्ययन 500 तथा स्थैतिक बोर्ड की सहायता से ज्ञात करना। मैंने पहले भी बताया था, अभी वापस बता रहा हूं कि यदि आप पहले जो एग्जामिनर आएगा वो सर्वप्रथम आपको जो उद्देश्य आपके जो आएगा उस उद्देश्य से ही वाइवा का क्वेश्चन करेगा, और यदि आपके वाइवा में अच्छे नंबर आ गए तो आपके प्रैक्टिकल में भी अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो जैसे कि ये प्रैक्टिकल है, ये आपके बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकंड ईयर और बीएससी फाइनल ईयर तीनों जो बुक्स है उसके अंतर्गत नहीं मिलेगा, अर्थात ये प्रैक्टिकल आपको कहीं नहीं मिलेगा। यदि कोई एमएससी की बुक्स है तो उसके अंतर्गत मिल सकता है। वैसे ये गाउसी वितरण नियम है, ये भी आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप गूगल के ऊपर सर्च करोगे तो भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि उद्देश्य से ही क्वेश्चन आता है वाइवा का, जैसे कि गाउसी वितरण नियम का अध्ययन 500 तथा स्थैतिक बोर्ड की सहायता से करना, इसमें है गाउसी वितरण नियम। तो इसके बारे में एग्जामिनर पूछता है, जैसे कि हम ग्राफ खींचते हैं इस प्रकार FI और RI बीच में, जो मैं बाद में बताऊंगा FI और RI क्या है, ऊपर जाकर वापस नीचे। तो वह मान जहां पर आवृत्ति का मान एक बार बढ़ता है और एक बार पुनः घट जाता है, इसे ही कहते हैं गाउस का वितरण नियम। अर्थात आवृत्ति का मान सर्वप्रथम बढ़ता है फिर घट जाता है, इसे कहते हैं जो गाउस का वितरण नियम। उसके बाद अब इसमें जो प्रैक्टिकल है उसमें मैं सिद्धांत में जो लैंग्वेज है वो और उसके जो आवश्यक उपकरण है वो नहीं बताऊंगा, सीधा फॉर्मूले की बात करते हैं। तो इसका सूत्र PR1/σ√2πRI-R0²2σ², जहां ये सिग्मा है ये मानक विचलन है और आर जीरो सिग्मा के पाए जाने की प्रायिकता जो अधिकतम है। कई कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि आर आई का मान आया कहां से, तो आर आई का मान जो अधिकतम पासे दिए गए हैं 40 उसका आधा करेंगे जो अधिकतम प्रायिकता वो आएगा 20। बाद में आप गणना करोगे तो अलग अलग, जैसे कि PR बराबर प्रायिकता, जैसे कि 11 की निकालोगे, 12 की निकालोगे, 13 की, तो जो मान आप निकालोगे वो उसमें आर जीरो की जगह सभी जगह 20 रखना है। किसी संख्या के घटित होने की संभावना को संख्यात्मक रूप से प्रदर्शित करना ही किसी संख्या की प्रायिकता कहलाती है। किसी संख्या की घटित होने की संभावना को संख्यात्मक रूप से प्रदर्शित करना प्रायिकता कहलाती है। उसके बाद मानक विचलन सैद्धांतिक जो सिग्मा है वो इसका सूत्र है √N0 × P1 − P। तो N0 है, N0 अर्थात कुल पासों की संख्या, ये होगी 2.5 × P का मान 1/2, तो 1/2 1 − 1/2 इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 3.16। अर्थात जो थ्योरिटिकल है सिग्मा मानक विचलन उसका मान आएगा 3.16, वो भी यहाँ पर आपको थ्योरिटिकल 3.16 है वह दोनों जगह रखना है। उसके बाद प्रायोगिक सिग्मा बराबर √RI² − R0² तो दोस्तों इस प्रैक्टिकल में आपकी दो सारणी बनेगी। पहली सारणी जो 100 प्रश्नों के लिए, अर्थात जो आपके 2.5 पासे हैं वो 100 बार आपको फेंकने हैं और रीडिंग लेनी है। जैसे कि फर्स्ट बार फेंके तो 11, दूसरी बार 12, तीसरी बार 13, 15, 16, 20, 22, 24, 18, 17, इस प्रकार, मतलब जो 2.5 पासे है बार बार वो 2.5 पासे ही आपको फेंकने हैं और रीडिंग लेनी है।
जैसे कि आपने एक बार सारी पास से फेंके तो उसमें से काली सतह ऊपर कितनी बार आ रही है, जैसे कि 11 बार आई है। दूसरी बार वापस वो सारी पास से लेने हैं जो फेस्टियर में थे, वो पास से निकालने थे या पर वही वही पास से रखने हैं और आपको रीडिंग लेनी है। तो ये सारणी आ गई। उसके बाद आवर्ती है। आवर्ती अर्थात वह मान, विशेष मान जो जितनी बार आता है वह उसकी आवर्ती कहलाती है, अर्थात वह विशेष मान जो जितनी बार आता है वह उसकी आवर्ती कहलाती है। जैसे कि 11 है, 11 का जो सर्वप्रथम 11 वो कितनी बार आता है, 3 बार, तो जो आवर्ती है वो 3 कहलाती है। वह विशेष मान जो जितनी बार आता है वह आवर्ती कहलाती है, जैसे कि 11 का 3। तो अब आर आई एफ आई, आर आई एफ आई, आर आई स्क्वायर, एफ आई आर आई स्क्वायर, ये आवर्ती एफ की गणना के लिए सारणी है। जैसे कि इसमें जो संख्या है कहां से शुरू होती है, जैसे कि न्यूनतम आपकी संख्या क्या आई है, जैसे कि 11 आ गई तो आपको इसमें 11 से शुरू करनी है, और अधिकतम आपकी क्या आई, 24, तो 11 से लेकर 24 तक आपको सारणी बनानी है। पूरे 100 प्रेक्षणों में जो संख्या जितनी बार आई है वो उतनी बार लिखना है, जैसे कि 11 3 बार आया, 25 4 बार आया, वो आपको लिखना है। उसके बाद में आर आई एफ आई, आर आई और एफ आई का गुणा करके, जैसे कि 11 33, उसके बाद आर आई स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121, उसके बाद एफ आई आर आई स्क्वायर, एफ आई 3 आर आई स्क्वायर 121 इंटू 3 बराबर 363। तो उसके बाद सिग्मा आर आई, इसका टोटल सिग्मा एफ आई, एफ आई का टोटल सिग्मा आर आई एफ आई, इसका टोटल, इसका टोटल और इसका टोटल, ये सभी जोड़ने हैं। उसके बाद आपको सूत्र के अंतर्गत मान रखना है। दोस्तों ये जो प्रैक्टिकल है वो मैंने पहले भी बताया, कोई किसी भी प्रकार की बुक्स के अंतर्गत और आपको थ्योरी में भी नहीं मिलेगा, तो इसमें वाइवा के क्वेश्चन ज्यादा नहीं है। तो अभी मैंने 3 पॉइंट बताए थे, एक तो आवर्ती, दूसरा प्रायिकता, तीसरा गाउसीय वितरण नियम, वही उस तीनों में से ही कोई आपको क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे कि जो गाउसीय वितरण नियम है, आवर्ती का मान सर्वप्रथम बढ़ता है और उसके पश्चात घटता है, ये आप आंसर बता देना। दूसरा प्रायिकता, किसी संख्या के घटित होने की भावना को संख्यात्मक रूप से प्रदर्शित करना प्रायिकता कहलाती है। तीसरा आवर्ती, वह विशेष मान जो कितनी बार आता है वह उसकी आवर्ती कहलाती है। तो अब बात करते हैं आर आई स्क्वायर, क्योंकि अपन को निकालना है सिग्मा थ्योरेटिकल जो फिक्स था, सिग्मा थ्योरेटिकल 3.16 अपन को निकालना है, वो है सिग्मा एक्सपेरिमेंट या प्रायोगिक। तो इसके लिए जो सूत्र है रूट आर आई स्क्वायर माइनस आर जीरो स्क्वायर, तो आर आई कैसे ज्ञात करेंगे, जो पिछली सारणी बनाई थी उसमें जो आपने सिग्मा ज्ञात किया था, जो उनका कुल मान था, तो आर आई स्क्वायर बराबर सिग्मा एफ आई आर आई स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ आई, और आर जीरो बराबर सिग्मा एफ आई आर आई अपॉन सिग्मा एफ आई, इसका स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर करोगे तो इसका जो मान आएगा उसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ वैल्यू रखोगे, तो जो सिग्मा प्रैक्टिकल है प्रायोगिक वो 2.80 से लेके 3 के मध्य आएगा। उसके बाद परिणाम, गाउसीय पृष्ठ तथा प्रायोगिक वक्र आपस में समांतर है, ये समांतर प्राप्त होते हैं, जैसा कि ग्राफ में दर्शाया गया है, प्रायोगिक और सैद्धांतिक मान बराबर है। तो ये आपका जो परिणाम होगा और ये आपका ग्राफ है। जैसे कि आप गणना करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था 11 12 13 जो आर आई की वैल्यू आएगी उसमें, जैसे कि पी आर, पी आर की जगह पी ग्यारह की वैल्यू रखोगे तो सूत्र था 1/√2π, सिग्मा की जगह जो थ्योरेटिकल 3.16 √2π 2 × 3 × e - जो आर आई, जो आर आई 11 - r0, आर जीरो मैंने बताया था 40 की इंटू 1/2 अधिकतम प्रायिकता बराबर 20, जो हर पी 11 से लेकर जो भी आगे आप याद करोगे हर जगह 20 आएगा, अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर 2 × 3.16 का स्क्वायर। तो ये इस प्रकार गणना और ग्राफ, और ये आपका जो एक नंबर प्रैक्टिकल था। उसके बाद जो आपके जो भी प्रैक्टिकल है वो आपको निरंतर वीडियो में लेके आऊंगा। धन्यवाद।